दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय हर की पैड़ी में हूँ और बारिश हो रही है और बारिश के समय में मैं यहाँ पहुँचा हूँ ताकि आप लोगों को हर की पैड़ी से माँ गंगे के दर्शन कराया जा सके और ताज़ा अपडेट के बारे में जानकारी दी जा सके। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे और हरिद्वार के मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, तो आज की वीडियो में आप सभी को यात्रा से संबंधित सभी जानकारी हम देंगे। और इस समय जो है बारिश हो रही है, मौसम जो है बहुत ही सुहाना हो चुका है। आप सभी को लेकर हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक चलते हैं और अच्छे से दर्शन कराते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम लगातार हरिद्वार की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आइए आप सभी को लेकर हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक चलते हैं। तो दोस्तों इस तरफ देख सकते हैं, नाई घाट के सामने मैं पहुँचा हूँ। माँ गंगे के दर्शन आप सभी करते जाइए। आज गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ बारिश हो रही है, तो जल में रेत की मात्रा तो स्वाभाविक है बढ़नी थी और आज काफ़ी ज़्यादा रेत की मात्रा नज़र आ रही है। और अभी मुख्य घाट की ओर ले चलेंगे आप सभी को, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर ज़रूर करना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग हरिद्वार आना चाहते हैं उन्हें वर्तमान मौसम के बारे में जानकारी मिल लेती रहे। बारिश की वजह से देख सकते हैं घाट जो है हर की पैड़ी का खाली है। किसी भी घाट में जाएंगे तो आज बहुत ज़्यादा खाली घाट नज़र आ रहे हैं, बस कुछ ही लोग आपको दिख रहे होंगे। और नाई घाट तो पूरा खाली है। दर्शन करते जाइए, जय गंगे माता आप सभी को लिखना है। 2 अगस्त की वीडियो है ये, देखिए आज जल का बहाव देखिए आप लोग। दोस्तों ये जो सज्जन दिख रहे हैं आपको, ये स्क्रीन में देखिए गौर करके, ये अभी जल में बहते हुए बचे हैं। काफ़ी आगे से बहते बहते आ रहे थे तेज़ धारा में, ये तो अच्छा हुआ इन्होंने जंजीर पकड़ ली। और आपको हम फिर से वो दृश्य दिखाएंगे, अभी देखना किस तरह ये बहते हुए जा रहे थे। पहले तो मुझे लगा शायद जो तैराक हैं जो डेली यहाँ पर तैरते रहते हैं, लेकिन वो नहीं थे ये देखिए। इसीलिए कहते हैं कि जल में जब तेज बहाव हुआ करे तो सावधानी से स्नान करें। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी पिछले 2-3 दिन से, हरिद्वार में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इसी बारिश का इंतज़ार था कि बारिश हो और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो, गर्मी से राहत मिले। आप जल की लहरें देखिए, आज गंगा जल की लहरें कितनी तेज़ निकल रही हैं। माँ गंगे के दर्शन आप हरिद्वार से कर सकते हैं। शेयर करना बनता है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करते जाइए। आइए आपको मनसा देवी मंदिर दिखाते हैं, ये देखिए ऊंचे पहाड़ों पर मनसा देवी मंदिर। दर्शन करिए आप, जय माता दी जय मनसा देवी आपको जरूर लिखना है। अब मैं आपको लेकर घंटाघर घाट और ब्रह्मकुंड घाट की ओर चल रहा हूँ। 2 दिन के बाद हरिद्वार में आज बारिश हुई है, जिसकी वजह से राहत तो मिली है, लेकिन अगर धूप आ गई तो फिर से गर्मी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। ये उत्तराखंड पुलिस जनपद पुलिस है, हरिद्वार जनपद पुलिस, एक मैसेज लिखा है। ऐसे भी ये जो जगह है मस्ती करने के लिए नहीं है, पवित्र जगह है। खुशी के साथ
श्रद्धा भाव से यहाँ पर आइए और डुबकी लगाइए। ये देखिए घाट खाली नज़र आ रहे हैं, इस तरफ घंटाघर घाट है। मौसम अभी भी बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और कभी भी फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। आइए मालवी घाट की ओर ले चलते हैं आपको। कैसा लग रहा है दोस्तों आप सभी को, हरिद्वार के ताज़ा दर्शन कर रहे हैं, 2 अगस्त की वीडियो है। अब मैं पहुंच चुका हूं मालवी घाट पे। आज से फिर से श्रद्धालुओं की संख्या जो है अब कम हो चुकी है। कल के दिन पूर्णिमा का स्नान था तो काफ़ी लोग आए थे, लेकिन अब जो है कह सकते हैं अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, बहुत कम श्रद्धालु यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बट बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश के दिन है तो स्वाभाविक है कि बारिश भी हो सकती है। देखिए पूरा घाट खाली नज़र आ रहा है आपको। ऐसे में क्या है, अगर आप आते हैं बारिश तो होगी, बारिश का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन दर्शन करने में भी अच्छा लगता है और गर्मी से भी राहत मिलेगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उमस होती है, और किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे मंदिर में, अच्छे, क्योंकि जब भीड़ होती है तो बहुत देर तक आप दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग माँ गंगे के दर्शन करें आप सभी। जल का बहाव हर एक घाट पर आप काफ़ी ज़्यादा है और इस घाट में तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि मालवी घाट पर रेलिंग नहीं लगी हुई है। तो उसी घाट पर स्नान करें जहाँ रेलिंग लगी हुई है, और या तो जहाँ पर जल कम है वहाँ पर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम में जाइए, मैसेज करिए, इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।